सुरेंद्रनगर जिला कलेक्टर कचेरी खाते मीडिया कर्मीओए आवेदनपत्र पाठव्यू। ताजेतरमां सोमनाथ खाते पवित्र श्रावण मास दरमियान कवरेज करी रहेला मीडिया कर्मीओ ने सोमनाथना ट्रस्ट द्वारा कोई उपरी अधिकारीना निर्णय अने सूचना मुजब कवरेजथी अड़गा राखी कवरेज करवा नहीं दई रोकवामां आव्या हता, त्यारे आ बनावनो समग्र राज्यमां पत्रकार आलममां रोष जोवा मळी रह्यो छे अने ठेर ठेर बनावने वखोड़ी काढी विविध कार्यक्रमों आपवामां आवी रह्या छे। त्यारे पत्रकार एकता परिषदना प्रदेश अध्यक्ष लाभूभाई कात्रोड़ियानी सूचना अने मार्गदर्शन हेठळ सुरेंद्रनगर जिला कलेक्टर कचेरी खाते सुरेंद्रनगर पत्रकार एकता परिषदना जिला प्रमुख प्रतीक सिंह जाणानी अध्यक्षतामां आंगे जिला कलेक्टर के सी सपटने आवेदनपत्र पाठवी लिखित रजूआत करवामां आवी हती। ज्यारे प्रमुख प्रतीक सिंह राणाए दरेक मीडिया कर्मीओ लोकशाहीनी चौथी जागीर छे अने कोईपण धार्मिक स्थळों के मंदिरोमां वर्षोथी बधाने संकलनमां राखी કવરેજ કરી ફરજ નિભાવતા હોય છે ત્યારે આ રીતે કવરેજથી રોકવામાં આવે તે બાબત યોગ્ય નથી તેમ જણાવ્યું હતું અને સરકાર સમક્ષ આ રજૂઆત પહોંચાડી સોમનાથ મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા કવરેજ પર મૂકવામાં આવેલા પ્રતિબંધ હટાવી લેવામાં આવે તેવી માંગ કરી હતી। तेमज हाल मीडिया कर्मियों द्वारा लिखित रजूआत करवामां आवी छे परंतु तेम छतां कोई उल्लेख नहीं आवे तो राज्यभरना मीडिया कर्मी आगामी दिवसों में उग्र आंदोलन करशे तेवी चीमकी पण उच्चारी हती। आ तके वढवाण लखतल लीमड़ी चूड़ा अने सायला तालुकाना पत्रकार एकता परिषदना होदेदार अने सदस्य सहित सामाजिक आगेवानो मोटी संख्या में उपस्थित रह्या हता। आ उपरांत जिल्लाना अन्य तालुकाओ चोटीला थान दसाड़ा अने धांगध्रा तालुका में पण पत्रकार एकता परिषदना होदेदारोए आवेदनपत्र पाठव्यु हतुं। ओके सूर्यनगरनी अंदर आज रोज पत्रकार एकता परिषद द्वारा जे सोमनाथनी अंदर आज सुधी पत्रकारों ने कवरेज माटेनी जे परमिशन हती अचानक जे परमिशन ने रोक लागवामां आवी छे त्यांना ट्रस्टीओ द्वारा के जे वहीवटदारों द्वारा जे आ जोगमी करवा माटे अमारा पत्रकार मित्रों ने जे कवरेजनो प्रतिबंध करवामां आव्यो एना माटे आज रोज कलेक्टर ने अमे आवेदनपत्र देवा आव्या छे। तो कलेक्टर ने आवेदनपत्र आपीने रजूआत करी छे के तात्कालिक धोरणे जे वहीवटदार કે જે તંત્ર વાહકો છે જે પત્રકારના કવરેજ માટેની જે પ્રતિબંધ લાવ્યા છે તાત્કાલિક ધોરણે વચ્ચે રહીને આનું સોલ્યુશન લાવે, નહીં તો આજે આવેદનપત્ર એ આંદોલન તરફ ન વળી જાય એની પણ ધ્યાન રાખજો એવી રજૂઆત કરવામાં આવેલી છે।